दोस्तों आपने कई शादियों में देखा होगा कि सगाई की अंगूठी हमेशा हमारे हाथ की चौथी उंगली यानी कि रिंग फिंगर में पहनाई जाती है, चाहे शादी हिंदू समाज में हो या फिर ईसाई समाज में। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि अंगूठी हमेशा रिंग फिंगर में क्यों पहनाई जाती है? तो चलिए जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं हमारी उंगलियों से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, सबसे ज़्यादा उंगलियों वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड भारत के देवेंद्र सुधार के नाम है। हिम्मतनगर गुजरात के रहने वाले देवेंद्र की कुल 28 उंगलियां हैं। उनकी 14 उंगलियां हाथों में हैं और 14 ही उंगलियां पैरों में। नंबर 4, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर इंसान का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, लेकिन अगर दो लोग जुड़वा पैदा हुए हों तो उनके फिंगरप्रिंट एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग करोड़ों में नहीं अरबों में एक होते हैं। नंबर 3, दोस्तों कुछ लोग यह मानते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य के बाल और नाखून बढ़ते हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। होता कुछ ऐसा है कि मनुष्य की बॉडी मृत्यु के बाद सूख जाती है और सिकुड़ने लगती है, इसलिए देखने में ऐसा लगता है कि बाल और नाखून बढ़ रहे हैं। नंबर 2, हमारी उंगलियों का सबसे तेज बढ़ने वाला नाखून सबसे बड़ी उंगली का होता है, तो वहीं पर सबसे धीमे बढ़ने वाला नाखून सबसे छोटी उंगली का होता है। हर उंगली के नाखून को जड़ से निकलकर बड़ा होने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं, और हमारी मिडिल फिंगर मतलब बीच की उंगली का नाखून सबसे तेज बढ़ता है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सगाई की अंगूठी हमारे हाथ की चौथी उंगली यानी कि रिंग फिंगर में ही क्यों पहनाई जाती है? तो आइए जानते हैं। ये बात रोमन और ग्रीक जमाने की है। उस दौर में ये माना जाता था कि हमारे हाथ की चौथी उंगली की नस सीधे दिल से जुड़ती है। इस नस को प्यार की नस भी कहते थे, इसलिए इस उंगली में रिंग पहनाने से दो लोगों का नाता सीधे दिल से जुड़ जाता था। तो वहीं पर कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि हमारे हाथ की हर एक उंगली एक रिश्ते को दर्शाती है, जैसे कि अंगूठा माता पिता के रिश्ते को, पहली उंगली भाई बहन के रिश्ते को, बीच की उंगली खुद के लिए, अनामिका मतलब कि रिंग फिंगर पार्टनर के लिए, और सबसे छोटी उंगली बच्चों के रिश्ते को दर्शाती है। तो ऐसी ही कुछ मान्यताओं की वजह से सगाई की अंगूठी अनामिका उंगली में पहनाई जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।